हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोचे होंगे तो प्रीमियम सेगमेंट में ये दोनों स्कूटर भी आपकी पसंद बन सकती है, जिसमें से TVS iQube पिछले साल से आप खरीद सकते हैं। काफी इंडियन मार्केट में ये अवेलेबल भी है, काफी सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन सिंपल वन को अभी लॉन्च किया गया है जिसकी प्राइस बता दी गई है और पहली इसकी डिलीवरी 6 जून से बेंगलोर में स्टार्ट भी होने वाली है। तो इस समय इसकी क्या प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, दोनों में कितना अंतर है, किसको कौन सी लेने चाहिए, ये कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। और यहाँ पे TVS iQube का जो बेस वेरियंट है TVS iQube और TVS iQube S, इन्हीं दोनों मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ST वेरिएंट अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो यहाँ पे ST वेरिएंट के स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आइए डिटेल जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि दोनों में आपको कितने कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सिंपल वन लेंगे तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक बेस वेरिएंट मिल जाता है जहाँ पे 4 कलर ऑप्शन दिए गए, एक स्पेशल एडिशन मिल जाता है जहाँ पे 2 कलर दिए गए हैं, तो टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको नंबर 8, अजियोर ब्लू, ग्रेस व्हाइट और ब्रेजन ब्लैक शामिल है। जो स्पेशल एडिशन है वहाँ पे 2 कलर दिए गए हैं जहाँ पे ब्रेजन एक्स और लाइट एक्स शामिल है। लेकिन वही अगर आप TVS iQube लेते हैं इसमें आपको टोटल 3 का ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे पर्ल व्हाइट, टाइटेनियम ग्रे और शाइनिंग रेड है। लेकिन TVS iQube S मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे लूसिड येलो, मर्करी ग्रे, मिंट ब्लू और कॉपर ब्राउन शामिल है। यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा कलर ऑप्शन TVS iQube मिल जाते हैं, क्योंकि TVS iQube जो ST वेरिएंट है वो भी आपको अलग 4 ऑप्शन मिल जाती है, तो TVS iQube में आपको थोड़े से ज्यादा कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी लोगो डिजाइनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सिंपल वन की डिजाइनिंग थोड़ी सी आपको प्रीमियम लगती है, ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है, जहाँ पे हेड के ऊपर DRS दिया गया है। फ्रंट एप्रन पे आपको हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट भी दी गई है। बाकी यहाँ पे फ्लोरबोर्ड फ्लैट मिल जाता है, सीट भी आपको कंफर्टेबल मिल जाती है, पीछे ग्रैब रेल दिया गया है और रियर के साइड आपको स्प्लिट डिजाइनिंग की टेल लैंप सेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। वहीं TVS iQube की भी डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, हेड के ऊपर आपको DRS मिल जाएगा, फ्रंट एप्रन पे आपको हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर लाइट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे भी फ्लोरबोर्ड दिया गया है फ्लैट और सीट यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे ग्रैब रेल दिया गया है, साइड में iQube की बैजिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों की आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, जो लुक वाइज आपको बेहतर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। वही इनकी बात कर लेते हैं मोटर पावर की, तो सिंपल वन में जो मोटर लगी हुई है इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, मेड माउंट मोटर मिल जाता है जो कि 8.5 किलोवाट का पीक पावर और 72 NM का टॉर्क जन करती है। लेकिन वहीं अगर आप TVS iQube लेंगे तो इसमें आपको BLDC हब मोटर मिल जाता है जो कि रियर के व्हील में देखने को मिलती है मोटर, और ये 4.4 किलोवाट का पावर और 140 NM का टॉर्क जन करती है। तो यहाँ पे बेहतर पावर तो आपको सिंपल वन मिल जाती है, लेकिन जो टॉर्क है वो आपको iQube में बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बाकी बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो सिंपल वन में आपको 2 बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि एक फिक्स बैटरी और एक रिमूवेबल बैटरी है, दोनों मिलाकर 5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाती है। वहीं TVS iQube में आपको 3.04 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक मिलेगी, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो फिक्स है, इसके बैटरी को आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो सिंपल वन की जो बैटरी है 0 to 80% चार्ज होने में 5 hours 54 minutes यानी कि 5 घंटा 54 मिनट का समय लेती है, तो TVS iQube की जो बैटरी है 0 to 80% चार्ज होने में 4 hours 30 minutes का समय लेती है। तो बैटरी कैपेसिटी TVS iQube में कम दी गई है, इसीलिए थोड़ी सी फास्ट चार्ज हो रही है। बाकी यहाँ पे रेंज की बात करें तो सिंपल वन में आपको सिंगल चार्ज में IDC रेंज 212 किलोमीटर पर चार्ज की मिल जाएगी, ट्रू रेंज थोड़ी सी आपको कम मिल सकती है। वही TVS iQube जो मिलता है इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर पर चार्ज की मिल जाती है, जो कि iQube और iQube S का ये रेंज है। अगर ST वेरिएंट लॉन्च होती है तो वहाँ पे उसकी रेंज 146 किलोमीटर पर चार्ज की IDC रेंज देखने को मिलती है। फिर भी अगर ST वेरिएंट से भी कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे सिंपल वन में ज्यादा बेहतर आपको रेंज देखने को मिल जाती है, तो रेंज के मामले में सिंपल वन काफी आगे है। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो सिंपल वन की टॉप स्पीड 105 kmph तक है और TVS iQube टॉप स्पीड केवल 78 kmph तक है, तो ये भी अंतर मिल जाएगा। सिंपल वन जो कि 0 to 40 kmph रफ्तार 2.77 सेकंड पकड़ लेती है, तो TVS iQube 0 to 40 kmph रफ्तार 4.2 सेकंड लेती है, तो एक्सेलरेशन में भी आपको अंतर मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो सिंपल वन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन वहीं TVS iQube के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में एडजस्टेबल हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाती है, तो रियर के साथ सस्पेंशन आपको सिंपल वन में थोड़ी सी आपको बेहतर देखने को मिल जाएगी। बाकी टायर साइज और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सिंपल वन के फ्रंट में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, तो TVS iQube के फ्रंट और रियर में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सिंपल वन के फ्रंट में 200mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 190mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन TVS iQube के फ्रंट में 220mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको बेहतर यहाँ पे आपको सिंपल वन में मिल जाती है, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क दिया गया है लेकिन TVS iQube के रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। वहीं इनके फीचर्स की अगर बात करें कि फीचर्स में आपको कितना अंतर मिल जाएगा, तो सिंपल वन में ऑल LED लाइट सेटअप लगा हुआ है
और टीवीएस आईक्यू में भी आपको ऑल एलईडी लाइट सेटअप देखने को मिल जाती है। दोनों एलईडी के साथ आती है। सिंपल वन में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। क्लॉक, राइडिंग मोड्स, स्पीड, बैटरी ट्रिप, एवरेज स्पीड, सर्विस रिमाइंडर, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन टीवीएस आईक्यूब एस लेते हैं तो इसके बेस वेरिएंट में 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। टीवीएस आईक्यूब एस में 7 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है। जो एसटी वेरिएंट आएगी वो टच स्क्रीन के साथ आएगी। फिलहाल इस मॉडल में टच स्क्रीन नहीं मिलता है लेकिन यह स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ मिलती है, जहाँ पे इनकमिंग कॉल अलर्ट, लो बैटरी, डिस्टेंस टू इंपीडेंस, नेविगेशन असिस्ट, म्यूजिक कंट्रोल, सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो स्क्रीन में थोड़ा सा आपको अंतर मिल जाएगा। सिंपल वन में आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाता है जिसमें इको, राइड, डैश और सोनिक शामिल है। तो टीवीएस आईक्यू में केवल 2 राइडिंग मोड दिया गया है जिसमें इको और पावर शामिल है। सिंपल वन में 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, तो काफी बड़ी बूट स्पेस दी गई है। लेकिन टीवीएस आईक्यू में केवल 17 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि आईक्यूब और आईक्यूब एस में मिलता है। आईक्यूब एसटी लेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोनों ही रिवर्स मोड के साथ भी आती है। तो ये सारे फीचर्स आपको इन दोनों स्कूटर्स में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो फीचर्स है थोड़ी सी बढ़िया आपको सिंपल वन में जरूर मिल जाती है क्योंकि स्पेस जो कि थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाती है। बाकी बूट लाइट भी लगा हुआ है लेकिन काफी हद तक इनकी जो फीचर्स है आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। वहीं टीवीएस आईक्यू में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं वारंटी की अगर बात करें तो सिंपल वन पे आपको 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर व्हीकल और मोटर और बैटरी पे आपको वारंटी मिलता है। 1 ईयर्स 10,000 आपको चार्जर पर वारंटी मिल जाएगा लेकिन टीवीएस आईक्यू लेंगे 3 इयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए उस पर आपको वारंटी मिलती है। बाकी कुछ डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं तो सिंपल वन का जो लेंथ है 1900 mm विथ 758 mm, हाइट 1163 mm, व्हील बेस 1335 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 164.5 mm, सीट हाइट 796 mm और इसका जो कर्व वेट है 134 kg है। लेकिन वही टीवीएस आईक्यू लेते हैं तो इसका जो लेंथ है 1805 mm, वी 645 mm, हाइट 1140 mm, व्हील बेस 1301 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm, सीट हाइट 770 mm और इसका जो कर्व वेट है लगभग 117.2 kg है। आईक्यूब का और आईक्यूब एस का 118.8 kg है। तो ये आपको डायमेंशन में थोड़ा सा अंतर मिल जाता है। यहाँ पे बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस आपको सिंपल वन में देखने को मिल जाती है टीवीएस आईक्यू के मुकाबले में। बाकी सिंपल वन से थोड़ी सी हल्की आपको टीवीएस आईक्यू भी देखने को मिल जाती है क्योंकि सिंगल बैटरी के साथ ही आती है, उसमें डबल बैटरी दी गई है इसलिए थोड़ी सी भारी आपको देखने को मिलती है। वही मेन बात आती है कि इनकी प्राइसिंग में आपको कितना अंतर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल वन की जो लेटेस्ट प्राइस रखी गई है जो कि 1 जून से पहले की प्राइस है वो एक्स रूम आपको बेंगलोर में स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ 1,45,000 रुपीज यानी कि 1,45,000 रुपए तक है। जो इसका स्पेशल एडिशन है 5,000 महंगा है। एक्स रूम प्राइस बेंगलोर में 1,50,000 रुपए तक है। वहीं टीवीएस आईक्यूब की जो बेंगलोर में ऑन रोड प्राइस है FM2 सब्सिडी के बाद 1,20,890 यानी कि 1,20,890 रुपए तक है। लेकिन आईक्यूब एस लेते हैं तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है बेंगलोर में 1,32,454 यानी कि 1,32,454 रुपए तक है। तो प्राइसिंग में आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस पे देख सकते हैं सिंपल वन से काफी कम के रेंज में आपको मिल जा रही है। तो इन दोनों के प्राइसिंग में आपको लगभग 20-25 हज़ार का फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन सिंपल वन महंगी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेंज बढ़िया मिल जाता है और आपको स्पेस बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन वही ये जो प्राइसिंग है वो 1 जून से पहले की है। हो सकता है कि 1 जून के बाद जो नया FAME II सब्सिडी का रूल दिया गया है वहाँ पे जो 40% सब्सिडी हटा के 15% कर दिया गया है तो ये स्कूटर और भी महंगे हो सकते हैं। फिलहाल ये प्राइसिंग आपको इन दोनों स्कूटर्स की देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों स्कूटर में से आपको कौन सी बेहतर लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप किसको खरीदना चाहेंगे। बाकी टीवीएस आईक्यूब आपको टीवीएस के शोरूम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वही सिंपल वन की कोई भी शोरूम वगैरह नहीं है, इसको ऑनलाइन ही आप बुक करा सकते हैं और इसकी पहली डिलीवरी बेंगलोर में 6 जून से स्टार्ट होगी। बाकी अन्य सिटी में कब कंपनी इसकी डिलीवरी स्टार्ट करेगी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जानकारी मिल जाएगी आपको वीडियो फीड से मिल जाएगा। तो अभी केवल इसका प्री बुकिंग करा सकते हैं जो सिंपल वन लेना चाहते हैं, बाकी टीवीएस आईक्यू को आप जाके अभी भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंड इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।